क्या पद्मा अवार्ड के दौरान करण जौहर को मिस कर रही थी कंगना रनौत? अवार्ड सेरेमनी के दौरान करण को ढूंढने की कोशिश कर रही थी कंगना? अगर समारोह में दोनों का आमना सामना होता तो क्या कंगना करण से मुलाकात करती? इस पर कंगना ने कही बड़ी बात। क्या कहा कंगना ने, आइए आपको बताते हैं। कंगना रनौत और करण जौहर को हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जैसा कि सबको पता है कि फिल्म जगत से जुड़ी कंगना और करण के बीच भाई भतीजावाद की बहस को लेकर टकराव होता रहता है। इस बीच कंगना का करण को लेकर एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पद्मा पुरस्कार समारोह में उनका करण जौहर से आमना सामना होता तो वो उनसे जरूर मुलाकात करती, पर वो उन्हें सेरेमनी में खोज नहीं पाई। कंगना ने टाइम्स नाउ समिट 2021 में कहा, हमारे समारोह का समय अलग अलग था। मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे पुरस्कारों का समय अलग अलग रखा। मैंने उन्हें आसपास ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो वहां नहीं थे। ये पूछे जाने पर कि अगर समारोह के दौरान उनकी मुलाकात होती तो क्या वो करण जौहर से बात करती, इस पर कंगना ने कहा, बिल्कुल मतभेद हो सकते हैं, असहमति हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कोएग्जिस्टेंस पर विश्वास न करें। मैं कोएग्जिस्टेंस पर यकीन करती हूँ। मैं सभी तरह की कोएग्जिस्टेंस को बढ़ावा देती हूँ। मैं एक साथ रहने और समान अवसर देने के बारे में बात करती हूँ, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं या बाहरी, फिल्म उद्योग का व्यक्ति, वंचित या संपन्न हो। मैं सभी तरह के लोगों के एक साथ रहने में यकीन करती हूँ। कंगना ने यह भी कहा कि वो कुछ विजेताओं के सामने तुच्छ महसूस कर रही थी जो दिखने में साधारण थे, लेकिन उनकी मौजूदगी दमदार थी। उन्होंने कहा, कुछ लोग जो अंदर चलकर आए और अपना सम्मान ग्रहण किया, उनमें से कुछ ने मुझे इम्पोर्टेंट फील नहीं कराया। उनमें से कुछ अपने प्रेजेंस में इतने सरल और विशाल थे। जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ तो मुझे लगा कि मैं मामूली हूँ। मैं ऐसा शायद ही कभी महसूस करती हूँ। मुझे ऐसे लोगों को अवार्ड लेते हुए देखने पर लगा कि क्या मैं बेहतर हूँ। बताते चले कि कंगना रनौत का करण जौहर के साथ विवाद चल रहा है। कंगना ने साल 2017 में कॉफी विद करण में उन्हें नेपोटिज्म को बढ़ावा देने और मूवी माफिया कहा था, लेकिन इसके बावजूद कंगना को कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो सेरेमनी में करण से टकराती। रिपोर्टेडली ऑर्गेनाइजर्स ने इस बात का ध्यान रखा कि दोनों का आमना सामना न हो। कंगना के इन विचारों पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।